मैं मनोज कुमार श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जनसत्ता पार्टी। हमारे साथ में बैठे हुए हैं श्री सुख मंगल मौर्य, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय जनसत्ता पार्टी। साथियों, मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं, और ये सब आपसे जीवन से ही जुड़ी हुई है, आपके बच्चों से जुड़ी हुई है। जो ये आजकल जो एग्जाम हो रहा है, बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं, सारे कक्ष में CCTV कैमरा लगा दिए गए हैं कि कोई नकल न करने पाए। ये बात तो बहुत बढ़िया है कि नकल नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके पहले आप ये नहीं ध्यान देते कि विद्यालय में पढ़ाई कितनी हुई, पूरे वर्ष भर में कितनी छुट्टियां होती हैं और कितने दिन क्लास छात्र अटेंड करते हैं, कि टीचर्स कितने आते हैं, कितना उनका अध्ययन होता है। इस बात का भी ध्यान तो देना चाहिए कि उनका कोर्स पूरा कराया जाए। साथियों, छात्र जब विद्यालय में विद्या ग्रहण करने के लिए आते हैं, जब उन्हें कोर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, उनके जो सिलेबस है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, अध्यापक ठीक से पढ़ाएंगे नहीं, और वे गेस्ट पेपर क्वेश्चन बैंक के सहारे अपना काम करना चाहेंगे, तो किस तरह से उनका मानसिक और बौद्धिक विकास होगा, ये तो आपको मालूम ही हो गया होगा कि इससे क्या उनका विकास होगा। तो मेरा सरकार से निवेदन है, निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसा व्यवस्था करें कि पढ़ाई का व्यवधान जो होता है लोगों में, बच्चों में ना होने पाए, समय से विद्यालय में पठन कार्यक्रम हो। हम तो देखते हैं कि हमेशा हड़ताली रहती है, राज्य कर्मचारी की हड़ताल हो जाती है, कभी जो अध्यापकों की हड़ताल हो जाती है, और कभी विद्यालय में तो आकस्मिक अवकाश हो जाता है, साथ ही साथ जो है जो गेस्ट छुट्टी है वो तो है ही है। तो इसमें किसका नुकसान होता है? छात्रों का नुकसान होता है। छात्र जब विद्यालय से शिक्षा ग्रहण नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो उनका कैसे एग्जाम देंगे, कैसे पास होंगे, इसीलिए रिजल्ट हमेशा कम से कम आता है, अधिक से अधिक उनका नहीं आ पाता, क्योंकि उनकी पढ़ाई ढंग से हो नहीं पाती। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि पाठन व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, और शिक्षा में सुधार तभी होगा जब मन लगा के अध्यापन कार्य करेंगे, अध्यापक उनको ढंग से समझाएंगे और उचित उपयोग करेंगे, तभी छात्र को जो है इसका लाभ मिलेगा। तो CCTV कैमरा एक नहीं, पूरे जितने भी रूम सब में दो दो चार चार लगाने, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये CCTV कैमरा लगाने से उनकी तलाशी लेने से उनमें इतनी दहशत रहती है कि आप देखते कि छात्रों की परीक्षा छोड़ने की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर 50,000 विद्यार्थी पंजीकृत है तो 10,000 तो किसी ने छोड़ देते हैं परीक्षा दहशत में। मेरा सरकार से निवेदन है कि कम से कम शिक्षा व्यवस्था में अमूल परिवर्तन करके सही ढंग से लागू किया जाए, ये मेरा उनसे निवेदन है। धन्यवाद।